हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर सिविल इंजीनियर गुरु। आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, रेविट आर्किटेक्चर का नया ट्यूटोरियल लाया हूँ। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली सीलिंग के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, कि हम अपने बिल्डिंग में कैसे सीलिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कम्प्लीटली मटेरियल के बारे में, कि हम कैसे मटेरियल अप्लाई करते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा है रिगार्डिंग मटेरियल के, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पे जाए, वहाँ पे हमने लिंक प्रोवाइड की है, वहाँ से वीडियो देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक फेवर करना, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें और आप टाइम पर वीडियो देखते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप देख रहे हैं मिस्टर सिविल इंजीनियर गुरु, चलो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो ये मेरा यहाँ पे कुछ प्लान है, 2 BHK प्लान है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे जो है रूम्स बनाए हैं, तो मुझे इन रूम्स पे क्या करना है, सीलिंग अप्लाई करना है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीलिंग और रूफ़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अक्सर इसमें हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्टूडेंट्स अक्सर इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सीलिंग भी तो वही है, कि सीलिंग भी तो एक किस्म का छत है। लेकिन सीलिंग जो है फ्रेंड्स, हमारा जो रूम होता है उस रूम का जो टॉप सरफेस होता है वो होता है सीलिंग। रूफ़ जो होता है हमारे बिल्डिंग के बाहर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। रूफ़ जो होता है हमारे बिल्डिंग के बाहर होता है, और सीलिंग जो होता है हमारा रूफ़ का टॉप सरफेस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ, मैं सपोज़ मैं यहाँ पे जाऊँगा फ्रंट एलिवेशन में साउथ में, तो मेरा ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, रूम की हाइट है। इस रूम की हाइट के ऊपर जो मेरा लगेगा वो फ्लोर लगेगा। यहाँ से मेरा जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो 10 फीट है। मैं इसको 10 करके एंटर करता हूँ, तो यहाँ तक है लेवल 2 के नीचे जो है मेरा यहाँ पे इस रूम की हाइट है। लेवल 2 में मेरा क्या लगेगा, रूफ़ लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन लेवल 2 के नीचे किसी भी हाइट पे, या सपोज़ यहाँ लेवल 1 से लेवल 2 तक मेरी 10 है, तो 9 फीट की हाइट पर मैं अगर लगाऊँगा सीलिंग, तो वो मेरा रूफ़ का सीलिंग हो गया, ठीक है, टॉप सरफेस हो गया। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक हो गया रूफ़, रूफ़ हो गया हमारे रूम का, हमारे हाउस का पूरा छत, ठीक है, वो हमारे रूफ़ के बाहर होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें इस बिल्डिंग में जो हमारा प्लान है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने सब कुछ अप्लाई किया है, मटेरियल, विंडोज़ भी लगाया है, वेंटिलेटर्स, डोर्स, ठीक है। यहाँ पर मेरा बैल्कोनी है, तो यहाँ पर मैंने रेलिंग भी अप्लाई की है, ये सब कुछ हमने किया है। इसके बाद हमें सीलिंग लगाना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सीलिंग लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे। सपोज़ हम फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे चले गए, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है सीलिंग, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास सीलिंग के 2 ऑप्शन हैं, एक है ऑटोमेटिक सीलिंग, दूसरा है सेकेज सीलिंग। या हम ऑटोमेटिकली सीलिंग डाल सकते हैं या सेकेज कर सकते हैं, बना सकते हैं। पहला हम ये देखेंगे फर्स्ट ऑटोमेटिक सीलिंग क्या होता है, इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे आप कर्सर इस रूम के अंदर लाएंगे, एक क्लोज्ड बाउंड्री है, इसके अंदर लाएंगे तो आपको एक हाईलाइटेड लाइंस दिखाएगा, ब्राउन कलर, रेड कलर का, ठीक है, ये कुछ लाइंस दिखाएगा। तो मेरा हो गया सीलिंग, ये मेरा सीलिंग लग चुका है इसमें। जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा सीलिंग लगेगा। जब मैं अपने कर्सर को इस क्लोज्ड बाउंड्री के बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्रॉस दिखाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हुआ, जब मैं रूम के अंदर लाऊंगा, क्लोज्ड बाउंड्री के अंदर लाऊंगा, तो ये मेरा सीलिंग शो करेगा। मैं क्लिक करूंगा, मेरा सीलिंग लग चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक वार्निंग शो कर रहा है, नन ऑफ द क्रिएटेड एलिमेंट्स आर विजिबल इन फ्लोर प्लान लेवल 1 व्यू, ठीक है। जो मैंने सीलिंग यहाँ पे लगाई है वो मुझे यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि मैं फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे हूँ। मुझे कहाँ होना चाहिए, मुझे सीलिंग प्लान में के लेवल 1 पे होना। जब मैं सीलिंग प्लान के लेवल 1 पे जाऊँगा, मुझे यहाँ पे शो कर रहा है मेरा जो सीलिंग था वो यहाँ पे लग चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। या मैं जाऊँगा यहाँ पर 3D में, अगर मैं 3D में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर शो कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरा सीलिंग यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ आया होगा, मैं फिर से बैक करता हूँ, मैं फिर से लेवल 1 पे जाऊंगा, हम जाएंगे सीलिंग पे। सीलिंग पे जाने के बाद हमने ऑटोमेटिक से चेक कर लिया कहीं से हमारा सीलिंग लगता है, उसके बाद हम सेकेज करेंगे। सेकेज करने के बाद आपके पास यहाँ पे बाउंड्री लाइंस बहुत टाइप के, सपोज़ मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, तो मैं यहाँ से सेकेज करता हूँ, इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक क्या डालता हूँ, सीलिंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद मैं यहाँ पर डन करता हूँ, डन करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर 3D पे, तो मुझे यहाँ पे नज़र आएगा, लेकिन मुझे फ्लोर प्लान के लेवल 1 पे कुछ भी नज़र नहीं आएगा जब तक मैं सीलिंग
प्लान पे नहीं जाऊंगा, इसके लेवल वन पे जाना है, फिर मुझे यहाँ पे शो करेगा मेरा जो यहाँ पे हैचिंग शो कर रहा है, इसका मतलब है मेरा सीलिंग यहाँ पे लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, थ्री डी में जाने के बाद मेरा सीलिंग लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फिर से बैक करते हैं। बैक करने के बाद ठीक है फ्रेंड्स, हम लेवल वन पे जाएंगे, हम सारा इस सारे प्लान में सीलिंग डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, सीलिंग पे जाएंगे। सीलिंग पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, जो भी आप यहाँ से चूज़ करेंगे उस एलिमेंट के, उस कंपोनेंट के सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ब्राउज़र में शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे जब हम देखेंगे यहाँ पे सीलिंग के बहुत सारे डायमेंशन हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम करेंगे काम, हम एडिट टाइप पे जाएंगे। एडिट टाइप पे जाने के बाद हम इसमें डिफरेंट मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर है इसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मटेरियल जो है वो डिफ़ॉल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी मटेरियल का कलर है वो भी है, वो ही यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब जब हम अंदर जाके देखेंगे तो हम डिफरेंट मटेरियल इसमें अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ प्लास्टर करूँगा, प्लास्टर करके एंटर करूँगा, यहाँ पे मेरे पास जिप्सम वॉल बोर्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी, सपोज़ मैं यहाँ से मैं यहाँ पे करता हूँ पैंट। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ पैंट, तो यहाँ पे हम, ताकि हमें अच्छे से दिख पाए कि हमारा सीलिंग लग चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे फास्ट कलर चूज़ कर रहा हूँ। ओके करेंगे, ओके करने के बाद हम यहाँ पे ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो हम यहाँ पे सीलिंग डालेंगे, ऑटोमेटिक सीलिंग डालेंगे इसमें 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 इसमें। उसके बाद हम लेवल सीलिंग प्लान के लेवल वन पे जाएंगे, तो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है हमारा ये सीलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, हम जाएंगे 3D में, यहाँ पे हमारा सीलिंग शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सीलिंग लग चुका है कम्प्लीटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे फ्रंट व्यू में, साउथ पे जाएंगे, यहाँ पे हमारा हमारा शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो भी शो करेगा वो सीलिंग पे, सीलिंग प्लान के लेवल वन पे शो करेगा, क्योंकि हमने फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का सीलिंग हमने डाला है। या हम 3D में जाएंगे, अब हम अंदर से कैसे देखेंगे इस सीलिंग को, ये क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेवल वन पे जाएंगे सीलिंग के, या हम यहाँ पे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान के लेवल वन पे जाने के बाद हम जाएंगे व्यू पे, व्यू पे 3D के, 3D व्यू में यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ड्रा डाउन में, यहाँ पे हमारे पास कैमरा, हम यहाँ पे कैमरा लगाएंगे। जहाँ कैमरा कैसे लगाते हैं, हमने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद जिस डायरेक्शन में भी आपको कैमरा रखना है उसी डायरेक्शन में आप ड्रैग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम ड्रैग करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे सीलिंग शो करेगा। हम जाएंगे यहाँ से व्यू से रियलिस्टिक व्यू में। ठीक है फ्रेंड्स, शेडेड में हमें ऐसा कुछ दिखाएगा, हम जाएंगे रियलिस्टिक में, तो हमारा ये सीलिंग यहाँ पे लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा सीलिंग है, ये हमारा सीलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ से आई होप, तो ये हमारा सीलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सीलिंग लग चुका है, तो इस तरह जो है हम सीलिंग लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम बैक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 3D, तो हमारा यहाँ पे सीलिंग लग चुका है कम्प्लीटली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था रिगार्डिंग सीलिंग के, कि हम डिफरेंट मटेरियल भी कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सीलिंग के रिगार्डिंग, कि कहीं से हम सीलिंग डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल समझ आया, प्लीज़ हमारे ट्यूटोरियल को लाइक करना, फ्रेंड्स का शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हमारे ट्यूटोरियल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।